तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मेरा नाम है शुभम और मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एसबी वीडियोस। यहाँ मैं तरह तरह की बातें करता रहता हूँ, एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कौन सा करियर चूज किया जाए, ट्रैवल ब्लॉग होते हैं मेरे बहुत सारे, मतलब मेरा पैशन भी है ट्रैवल का, क्रिकेट का। क्रिकेट के बारे में मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, कि बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए 2007 वर्ल्ड कप की, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था आपका, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में हुआ पहुंचे थे वो लोग। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत तगड़ा मैच होता है दोस्तों, कि मतलब इंडियन फैंस को लगता है कि पाकिस्तान हार जाए और पाकिस्तान फैंस को लगता है कि इंडिया हार जाए। तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज रहती है कि मतलब पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान को रहता है कि इंडिया को हराना है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, कि मतलब ये तो बात पढ़ते हैं कि उस टाइम की मज़ा तो बहुत आएगा इस मैच में, जो भी हो जाए, मतलब रिजल्ट जो भी हो जाए, रिजल्ट जो भी हो, मज़ा तो बहुत आने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए टीम, दोनों टीमों की, जो पाकिस्तान की टीम अगर देखी जाए हम, तो पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम है ना दोस्तों, मतलब उनके पास बहुत सारे बल्लेबाज है, बहुत सारे गेंदबाज भी अच्छे अच्छे, बहुत सारा पेस इन्वॉल्व रहता है उनके पास, जो पेसर्स होते हैं उनके। तो पेसर्स की अगर बात की जाए तो शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी, एक तो वो दोनों की एक जोड़ी बहुत पॉपुलर थी उस टाइम। फिर उस टीम में बहुत सारे और भी थे, जैसे कि उमर गुल था। उमर गुल देखकर मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा गेंदबाज है, स्विंग उसकी बहुत अच्छी है। अगर स्पिनर्स की बात की जाए, ये तो पेसर्स थे, तो अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो शाहिद अफरीदी थे, ऑलराउंडर भी थे उस टाइम वो, और कैप्टन भी थे। और जो उपदर्स थे उनके वो भी बहुत अच्छे अच्छे थे, हुआ करते थे, मोहम्मद हाफिज़ थे, कमरान अकमल थे, इमरान नज़ीर थे, यूनिस खान थे, शोएब मलिक बीच में थे। तो एक तगड़ी टीम थी उसके पास भी। और इसके अपोजिट अगर बात की जाए इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स भरे पड़े थे, मतलब ऐसा बात नहीं है कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो टीम, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोलूँगा मैं। तो इंडियन प्लेयर्स की अगर बात की जाए इंडियन टीम की, तो गंभीर थे, हरभजन सिंह थे, जोगिंदर शर्मा थे, श्रीशांत थे, तो इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हुआ करते थे उस टाइम भी। तो मतलब जोगिंदर शर्मा एक मतलब हमें लगे लिए एक स्टार मिला था, जो कि मतलब खोज के निकाला था कई सब कई सब जो दोनों टीम मैनेजमेंट में, टीम मैनेजमेंट में। तो ये हुई टीम वाइज। अगर टीम वाइज कंसिडर कर, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के टीम के वेटेज बहुत ज़्यादा था उस टाइम, क्योंकि 70 अगर बात की जाए, पाकिस्तान का 70 अगर दे दूँ और इंडिया को 30 दे दूँ तो वो भी चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के वैल्यू उनके पास भी बहुत सारे थे। तो अगर बात की जाए कि पहले ओपनिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर पहले तो बैटिंग हुई थी हमारी, तो 157 तक हम सीमित रह गए थे, 5 आउट हो गए थे हमारे, पंजाब भी याद है, और आरजी शर्मा ने 30 नॉट आउट बनाया था, उसी के चलते हमने 151 रन बना लिया। तो फिर बात ऐसी हुई दोस्तों कि उनके पास ओपनर्स थे, शोएब मलिक तक बैटिंग लाइन अप थी, उसके बाद मतलब बहुत सारे उनके पास हिटर्स भी थे, जैसे कि शाहिद अफरीदी हो गया, फिर मोहम्मद हाफिज़ भी हुआ। तो मोहम्मद हाफिज़ ऐसा एक प्लेयर है कि मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम खुद को एडजस्ट कर लेता है, इसके अगर नेसेसरी जब होगा तब फील्ड बड़े बड़े लगा सकते हैं, तब तक टाइमिंग पे खेलते रहेंगे दोस्तों, और अपोजिशन को भगाते रहेंगे, ऐसा प्लेयर है वो। फिर उसके बाद थे उनके पास कमरान अकमल, क्योंकि हिटर माने जाते हैं मतलब वो भी, तो कमरान अकमल भी एक अच्छे थे। तो बैटिंग में उनकी ज़्यादा गहराई थी मुझे लग रहा है दोस्तों, और उनका एक एडवांटेज थी, उनको पता था कि कौन सा स्कोर पार करना है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग खुद को सेट किया था उन्होंने। तो बात की जाए अगर डायरेक्टली, अगर लास्ट यूनिस खान थे, और यूनिस खान लंबे छक्के लगा रहे थे दोस्तों, मतलब कुछ किसी की सुनी नहीं रहे थे, कोई सब बॉलर को मार रहे थे दोस्तों, श्रीशांत को भी मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मारा था। तो अगर श्रीशांत की हो गई थी ओवर खत्म उस टाइम, मतलब 4 ओवर थी हर एक गेंदबाज को रहती है, तो 4 ओवर तो खत्म हो गए थे श्रीशांत की, तो लास्ट ओवर किसको दी जाए, तो दो ही ऑप्शन थे, हाँ 3 थे, पर तीसरा मतलब ना के बराबर था, क्योंकि यूसुफ पठान के ओवर जैसे थे सिर्फ, और यूसुफ पठान इतने मतलब रेगुलर बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर माना जाता है दोस्तों उसको, तो फिर उनके अगर 3 ओवर बचे थे पर उसका कोई फायदा नहीं होता। एक ही चॉइस था कि हरभजन या तो जोगिंदर शर्मा, ठीक ठाक बॉलिंग सबको मतलब मार पड़ी रही थी दोस्तों। तो धोनी का एक एग्जांपल किया धोनी ने, मतलब धोनी हमेशा ऐसा ही करते हैं दोस्तों, कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो है वो कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता अपोजिशन को ये क्या हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन था सबको कि हरभजन को दी जाए, पर मिली रोविंदर शर्मा को, कि जो इतने एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम, तो हरभजन एक ऐसा गेंदबाज को बहुत सालों से डालता है, तो उसको पता है कि अगर सेट बैट्समैन को कैसे आउट करना है, और मतलब इस प्रेशर को कैसे कंट्रोल में करके अच्छी बॉलिंग करनी,
जोगिंदर शर्मा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो दो गेम में पहले वाइड डाली थी दोस्तों ने, तो आप सोच सकते हो कि इनका कितना प्रेशर रहा है उनको, क्योंकि इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन में इतनी बड़ी लेवल पर उनको मौका दिया गया था दोस्तों धोनी की वजह से। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद ही जो ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ कि जब किसी ने भी सोचा नहीं था, कि मतलब हर एक लोग उनको गाली गाली दे रहे थे, क्या यार इसको भूल गया, फिर ये क्या, मतलब हर वजह ने अच्छा डाला होता दो वाइड डालने के बाद, तो सबने उम्मीदें हार चुके थे दोस्तों, पर किसी ने टीवी नहीं बंद किया था, क्योंकि दोस्तों पता है सबको धोनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था, तो यही कारण था कि मतलब आखिर तक लोग देखते रहे। और उसी मतलब बॉल पे, नेक्स्ट बॉल पे आपको सबको पता ही है कि यूनिस खान ने ऊपर मारा और श्रीसंत ने ऐसे 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 करते हुए मतलब बहुत टाइम मिला हो और फाइनली वो कैच लगभग के लिया दोस्तों, मतलब उस टाइम सबकी जान निकल गई थी कि यार ये छोड़ गया था तो फिर हो गया काम। और धोनी ने एक भी उसके बारे में बोला था जब उनका पिक्चर आया, उनका मूवी आया था धोनी दी एंड धोनी, तो उसमें जब प्रमोशन से उस टाइम बताया था दोस्तों कि जब श्रीसंत, मतलब मैंने देखा कि श्रीसंत नीचे है और चार पांच बार वो ऐसे 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 करके हो चुका है, तो मैंने सोचा कि रखा अगर ये छूट लिया ना छूट गया ना तब मतलब कोई मतलब पता ही नहीं क्या होगा आगे, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन रहते हैं दोस्तों। तो ये तो बात हो गई 2007 T20 वर्ल्ड कप की, अगर बात की जाए इस साल की 2020 T20 वर्ल्ड कप की, तो अगर वो कंपेयर किया जाए तो इस टाइम एक अच्छी तगड़ी टीम हमारे पास होगी दोस्तों, मतलब विराट कोहली एक अच्छे लीडर बन चुके हैं, मतलब वो प्रोग्रेस में है ऑलरेडी और उनकी बैटिंग तगड़ी चल रही है, मतलब एक ओवरऑल पैकेज भी है। तो उस टाइम ऐसा नहीं था दोस्तों उनको टीम बनानी थी, यहाँ पे टीम ऑलरेडी बन चुकी है दोस्तों, कि सिर्फ हमें एक ही देखना है कि जो एक्सपीरियंस है वो कितने खिलाड़ी होंगे, मतलब धोनी का एक्सपीरियंस मुझे लगता है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, अगर IPL होती है नहीं होती है इस पर कोई डिपेंड नहीं रहना चाहिए दोस्तों उनका करियर, क्योंकि एक धोनी अच्छा खिलाड़ी है और उनको पता है कि तो बैट्समैन कैसा सोचता है, तो वो उनको मालूम रहता है हमेशा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर धुंधी में कुछ बॉल डाल दो और फिर बाद में कुछ करो, तो ऐसा नहीं, धोनी के ऊपर एक मतलब वो कैलकुलेशन करते हैं धोनी अपने दिमाग में कि मतलब अभी ये क्या करने वाला है, तो उनका फ्रंट फुट कैसे होगा, अभी फ्रंट फुट पे आएगा या फिर नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग बॉलर को बता देते कि तुम यहाँ डालो तुम वहाँ डालो, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। युजवेंद्र चहल ने भी उसके बारे में बोला है, कुलदीप यादव ने बोला है, अश्विन ने भी बोला है, सब ने बोला है कि वो एक अच्छे मतलब गाइड है, तो हमें अगर मुझे कुछ प्लान मेरा वर्कआउट नहीं कर रहा है तो फिर वो आके हमें प्लान देते कि तुम यहाँ पे डालो, यहाँ पे फोकस करो, ये फ्रंट फुट आएगा, फ्रंट बैक फुट पे खेलेगा, ये सब सारी चीज़ें मैटर करते हुए जो धोनी के टिप्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा टीम इंडिया को जिताने के लिए। तो फिर मेरे हिसाब से धोनी रहेगा, मतलब टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है मुझे पता नहीं, पर वो अच्छे से ही कुछ सोचेंगे और डिसीजन लेंगी, मतलब एक्सपीरियंस मींस ओवर एवरीथिंग, वो भी उनका भी यही मानना होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो फॉर्म थोड़ा सा बैड चल रहा था और IPL भी अभी कैंसिल होने वाली है, तो पता नहीं अगर होती है IPL 1% चांस है तब भी मुझे ये नहीं लगता कि उसके ऊपर ही सब कुछ धोनी का फ्यूचर डिपेंड रहेगा। धोनी एक अच्छे बल्लेबाज है, उन्होंने प्रूव किया है सालों साल, तो वो आगे भी करते रहेंगे दोस्तों, आप देखते हैं कि कब वर्ल्ड कप होता है और कब धोनी टीम में आते हैं दोस्तों। तो आप भी अपने व्यूज बता सकते हैं दोस्तों कि आपको क्या लगता है इस साल क्या होगा, मतलब T20 वर्ल्ड कप कौन जीत सकता है, या फिर धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे दोस्तों, और आपको क्या लगता है ऐसा है क्या, मतलब टोटली डिपेंड है क्या धोनी का IPL के ऊपर, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मतलब आगे आगे भी अच्छे अच्छे और वीडियो डालता रहूँ, क्रिकेट रिलेटेड हो गया, फिर ट्रैवल ब्लॉग्स भी आएंगे बहुत सारे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, स्टे सेफ और स्टे होम।